हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशवर्धन एंड आई विल बी गोइंग थ्रू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इस एक्ट के बारे में सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को ये दे सकता हूँ कि दिस इज एन एडजेक्टिव लॉ। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पे तीन टाइप के लॉज होते हैं, ठीक है, सबस्टैंटिव, प्रोसीजरल और एडजेक्टिव। सबस्टैंटिव लॉ किसी भी चीज़ को डिफाइन करता है, जैसे इंडियन पीनल कोड वो डिफाइन करता है कि एक ऑफेंस क्या होता है और उसके लिए कितनी सजा दी जाएगी, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ एंड्स ऑफ जस्टिस को अचीव करने का एक माध्यम है, ठीक है। वो आपको ये बताता है कि किसी भी चीज़ का प्रोसेस क्या रहेगा, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको सजा देने का या उसकी प्रोसीडिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, तो वो प्रोसीजरल लॉ। अब ये एडजेक्टिव लॉ क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के ट्रेड्स हैं। ये एक ऐसा लॉ है जो चीज़ों को डिफाइन भी करता है और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है उसका प्रोसेस भी बताता है। और मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ क्यों है? क्योंकि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों की बात करता है। आप चाहे जुडिशरी करो या आप लिटिगेशन करो, आप कुछ भी करो, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। तो रही बात जुडिशरी की, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसमें नोट करना है वो ये कि दिस एक्ट गॉट इट्स असेंट ऑन 15th of March 1872। लोग ये तो याद रख लेते हैं कि वो इनैक्ट कब हुआ था, 1st September को 1872 में, बट लोगों को कई बार ये याद नहीं रहता कि इसको असेंट कब मिली थी, एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ दिस एक्ट, इट इज लेक्स फोरी, ठीक है, इट डजंट मूव विद द पर्सन। दो टाइप के लॉज होते हैं, लेक्स लूसी और लेक्स फोरी। लेक्स लूसी में आते हैं पर्सनल लॉज, दे मूव अराउंड विद द पीपल, कि लाइक इफ यू आर अ हिंदू एंड यू आर रेजाइडिंग इन अमेरिका, आपके मैरिटल लॉज तब भी हिंदू मैरिज एक्ट से ही गवर्न होंगे, ठीक है। बट इफ़ यू आर एन अमेरिकन और आप इंडिया में रह रहे हैं और आप यहाँ क्राइम कमिट करते हैं, तो आप पे इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा, आपकी प्रोसीडिंग पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस लेक्स लूसी और लेक्स फोरी में, ओके। तो इन दिस वीडियो आई विल बी ओनली गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड सेक्शन 1 के बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे, एंड आई विल बी टेलिंग यू द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस एंड टाइप्स ऑफ विटनेसेस, ओके। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, इसके बाद थोड़ी सी लैंग्वेज देखेंगे, ओके। सो सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये कहता है कि दिस एक्ट इज कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, वेल एस्टैब्लिश्ड, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ होता था यहाँ पे, पर नाउ ऑब्वियसली इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्यों? क्योंकि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि ये चार जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो चार जगहें कौन सी? चौथा पॉइंट सेड अनसेड है, बट स्टिल आप सुन लीजिए। पहला तो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स, किसी भी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में इंडियन एविडेंस एक्ट इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि दे विल बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट एंड इंडियन एयरफोर्स एक्ट रिस्पेक्टिवली, ओके। एफिडेविट्स के केस में ये इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सीपीसी और सीआरपीसी में अलग अलग सेक्शन अपने अपने रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं कि एफिडेविट्स के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। और प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर, नाउ यू ऑब्वियसली नो कि कई बार पार्टीज प्रेफर करती हैं कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, ठीक है, उसमें आर्बिट्रेशन सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका माना गया है ऑनेस्टली। तो किसी भी आर्बिट्रेटर के सामने इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और चौथा है नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, अभी ऑब्वियसली बात है कि ये सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पे ही अप्लाई होता है, तो नॉन जुडिशियल पे क्यों होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लुक एट इट लाइक दिस कि एक पुलिस ऑफिसर जब इंक्वायरी कर रहा है वो कर केस के लिए रहा है, वो कर जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए रहा है, पर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। तो इस टेक्निकलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई बेसिकली है, इस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि आप थोड़ा इजीली इस चीज़ को समझ पाएं कि कितने टाइप के एविडेंसेस हैं और किस तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब डायरेक्ट एविडेंस, एज इट्स नेम सजेस्ट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, ए, ही इज ट्राइड विद द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, कि उसने बी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया एक गोल्फ क्लब से, ठीक है। अब सी आता है एज अ विटनेस, एज एन आई विटनेस, एंड ही सेज कि हाँ मेरे सामने की बात है, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, इसने इसको मारा, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस।
सर्कमस्टांशियल एविडेंस डायरेक्ट नहीं होता पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी को लेके, बट इट इज अ सीरीज ऑफ फैक्ट्स दैट रिलेट्स टू द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. मतलब एक ऐसा गुच्छा इवेंट्स का जो एंड में जाके एक सैटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन डिराइव करने में हेल्प करे. कैसे? अगर मान लो इसी सिचुएशन में सी कहता कि नहीं, मैंने सामने तो नहीं देखा, मेरे सामने ए और बी की लड़ाई हुई, ठीक है, इन लोगों का पहले कोई आपसी मतभेद था, पहले कभी किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या किसी भी चीज़ को लेके, मैंने इन दोनों को अलग से जाते हुए देखा, एंड वो लास्ट बार था जब बी सही हालत में दिखा था, उसके बाद उसके चोट लगी हुई थी, तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट हो गया जिससे एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट किया हो. अब बात यह आती है कि हर सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एडमिट नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में तोड़ मरोड़ करना बहुत ईजी है, ठीक है. तो ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में ये प्रिंसिपल्स डिराइव करें जो हर केस में कोर्ट को अप्लाई करने पड़ते हैं जस्ट टू सी कि ये रेलिवेंट है या ये क्रेडिबल भी है या नहीं है, ठीक है. अभी चार प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली. पहला है कि ऑल द सर्कमस्टांसेस शुड बी इंडिविजुअली प्रूव्ड बाय एविडेंस. अब अपने एग्जांपल में ये प्रूव करना पॉसिबल है कि इनके बीच में पहले मतभेद था, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ये सारी चीज़ अलग अलग इंडिविजुअली प्रूव की जा सकती है, ठीक है. दूसरा, ऑल सर्कमस्टांसेस शुड बी कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी, शुड बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी, ठीक है. अब अपने एग्जाम्पल में भी हर चीज़ इसी पर लीड कर रही थी कि ए ने बी को हर्ट किया होगा, इनकी लड़ाई हुई, इनके बीच में पहले मतभेद था किसी भी चीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि हाँ ए हैड अ रीजन टू हिट बी, या ए ने शायद बी को मारा होगा, ठीक है. थर्ड इज द सर्कमस्टांसेस शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ चेन ऑफ एविडेंस सो कम्प्लीट एज टू नॉट लीव एनी डाउट दैट द क्राइम माइट हैव बीन कमिटेड बाय समवन एल्स. ये जो चेन है ये इस तरीके से एयरटाइट होनी चाहिए कि इसके इवेंट्स को देख के पता चल जाए कि ये किसी और ने नहीं किया होगा, ठीक है. और चौथा ये है कि द सर्कमस्टांसेस शुड बी कंसिस्टेंट ऑफ गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है. जो जो मैंने आपको सर्कमस्टांसेस बताए थे देवर कंसिस्टेंट कि ए इज गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस, इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं था बीच में. तो कोर्ट के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सर्कमस्टांस को लेके उनके मन में रीजनेबल डाउट ना क्रिएट हो कि ये किसी और ने किया होगा. सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस था जो आप लोग नोट कर लीजिए, तरशीम कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि दैट व्हेन अ मैटर डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांशियल एविडेंस देन एविडेंस ऑफ मोटिव बिकम्स रेलेवेंट. ओके, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इस पर आगे बात होगी जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस का पार्ट आएगा. ओके, अब आगे चलते हैं. अब इसके आगे जितने भी सारे क्लासिफिकेशन है बहुत छोटे छोटे हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एविडेंस एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल कर सकता है. ओके, विद दैट इन माइंड सेकंड कैटेगरी है रियल एंड पर्सनल एविडेंस. अब रियल एविडेंस एज द नेम सजेस्ट इट इज समथिंग रियल. ओके, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो आप कोर्ट को पेश कर सकें ताकि कोर्ट अपने सेंसेस से उसको एग्जामिन करे. जैसे आप एक मर्डर वेपन को पेश कर सकते हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है. अब उस पर भले फिंगरप्रिंट्स हों या ब्लड स्टेन हो, वो जो भी आपको जैसे भी सपोर्ट करे, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल एविडेंस, ठीक है. एंड पर्सनल एविडेंस एज द नेम सजेस्ट इट इज बेसिकली समथिंग जो आप कोर्ट को पेश करेंगे थ्रू ह्यूमन एजेंसी, ठीक है, जैसे टेस्टिमनी ऑफ अ आई विटनेस. ओके, वो एक ह्यूमन एजेंसी से आप कोर्ट को पेश कर रहे हैं, ठीक है. तो दैट कम्स अंडर पर्सनल एविडेंस, उस इंसान ने पर्सनली वो चीज़ देखी और आके कोर्ट के सामने कही, ठीक है, दैट कम्स अंडर पर्सनल एविडेंस. थर्ड कैटेगरी है ओरिजिनल एंड अनओरिजिनल. ओरिजिनल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इट इज़ द ओरिजिनल एविडेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, और अनओरिजिनल में उसकी फोटोस्टेट कॉपी या कुछ भी, ठीक है. फोर्थ कैटेगरी है सब्सटैंटिव एंड नॉन सब्सटैंटिव. अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि सब्सटैंटिव एविडेंस वो चीज़ होती है जिस पे कोर्ट अपना डिसीजन बेस कर सकता है, ठीक है. जैसे कि एक रियल और पर्सनल एविडेंस इज अ सब्सटैंटिव एविडेंस. क्यों? क्योंकि अगर एक आई विटनेस की टेस्टिमनी है तो वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है. नॉन सब्सटैंटिव एविडेंसेस के ऊपर कोर्ट अपना डिसीजन इसलिए बेस नहीं कर सकता क्योंकि वो कई बार या तो उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं होती, मतलब वो बेसिकली सिर्फ कॉरोबरेटिव नेचर के होते हैं. वो जो मेन एविडेंस है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है. अब एक एक्सपर्ट ने आके बोला, अब ज़रूरी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर एक एक्सपर्ट ने बोला है तो उसने बहुत अपनी नॉलेज वगैरह से बोला होगा, पर कई बार ऐसा होता है कि रीजनेबल डाउट रह जाता है.
तो स्टिल ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट के ऊपर कोर्ट अपना फैसला बेस नहीं कर सकते, बट ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट जो एग्जिस्टिंग एविडेंसेस हैं उनको कॉरोबरेट यानी उनको सपोर्ट करने के काम जरूर आ सकता है, ठीक है। और पांचवा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एविडेंस। ये सिंपल जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, पॉजिटिव एविडेंस इज विच इज यूज टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, ठीक है, एंड नेगेटिव एविडेंसेज आर दोज विच आर यूज टू प्रूव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट। तो ये पांच तरीके के मैंने आपको क्लासिफिकेशन दे दिए हैं एविडेंस के। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एक एविडेंस एक से ज्यादा में फॉल कर सकता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटनेसेस की, तो मेनली आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एंड डिफेंस विटनेसेस। जो आपने फाइलों में भी कभी कभी देखा होगा कि पीडब्ल्यू और डीडब्ल्यू लिखा होता है, तो ये उस चीज को डिनोट करने के लिए, ओके। पर अगर आप इसको कैटेगोरिकली ढंग से डिवाइड करना चाहेंगे तो नौ कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं फॉर योर इजी गोइंग, ठीक है। फर्स्ट इज आई विटनेस। एज द नेम सजेस्ट, ये वो इंसान होता है जो अकरेंस ऑफ द क्राइम सीन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसने क्राइम अपनी आंखों से होता हुआ देखा है एंड इसकी एविडेंटरी वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा इंजर्ड विटनेस, जिसके खिलाफ क्राइम कमिट हुआ है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि ये तो ऑब्वियसली वहां था ही, इसने ऑब्वियसली देखा ही होगा कि क्या हुआ है। ये जो अपीयरेंस है अक्यूज की वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है, तो इट हैज द हाईएस्ट एविडेंटरी वैल्यू, ओके। थर्ड इज पार्टिजान और इंटरेस्टेड विटनेस। ये होते हैं जो अगर कोई इंजर्ड पार्टी है, उसका कोई दोस्त हुआ, रिलेटिव हुआ, जानकार हुआ, वो ऑब्वियसली उसके केस में इंटरेस्टेड है उसकी साइड से। तो कई बार ऐसा होता है कि ये वाले विटनेसेस बहुत बड़ा चढ़ा के बात कहते हैं, ठीक है, अगर दो मारी होगी तो उसको दस करके बताएंगे। तो इसलिए इनके एविडेंस को एग्जामिन करते वक्त कोर्ट को बहुत क्रूशली देखना होता है। हालांकि ये है कि आउटराइट इनकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि टेक्निकली टेस्टिमनी तो है, ठीक है। थर्ड इज इंडिपेंडेंट विटनेस। इसकी बहुत ज्यादा एविडेंटरी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि ना तो ये अक्यूज से रिलेटेड है और ना ये इंजर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। ये बीच का होता है तो ये ऑब्वियसली किसी की भी साइड नहीं लेगा, ये जो बोलेगा सच ही बोलेगा, ठीक है। अब ट्रैप या डिकॉय विटनेस, ठीक है, इसको थोड़ा समझने वाली चीज इसलिए क्योंकि दीज आर द विटनेसेस विच आर यूज्ड बाय पुलिस टू ट्रैप द अक्यूज, ठीक है। कई बार अक्यूज को अपने जाल में फंसाने के लिए एक डिकॉय विटनेस या एक इंसान को अंडर कवर करके उनके पास भेजा जाता है, ठीक है, और फिर उसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जाती है। पर इसकी टेस्टिमनी सिर्फ इंडिपेंडेंट विटनेसेस या एविडेंस को कॉरोबरेट करने के लिए ही काम में आती है। क्यों? क्योंकि पुलिस का प्लांटेड विटनेस होता है बेसिकली, तो ये वही बोलेगा जो पुलिस के फेवर में जाएगा। तो कोर्ट को उस चीज को थोड़ा क्रूशली एग्जामिन करना पड़ता है कि कौन सा विटनेस किस तरह ज्यादा इंक्लाइंड है, ओके? अब रिकवरी या अटेस्टिंग विटनेस, इसमें बेसिकली ये है कि मान लो पुलिस कहीं पे छानबीन कर रही है, ठीक है। अब जब छानबीन होती है और जो जो चीजें वहां से कॉन्फिस्केट होती है उसकी एक पूरा मेमो बनता है, ठीक है, रिकवरी मेमो बनता है, जिसको हिंदी में पुलिस लैंग्वेज में कहते हैं फर्द जब्ती, ठीक है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो फर्द जब्ती को साइन करते वक्त, नहीं, फर्द जब्ती के बनते वक्त वहां पे जो भी प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है कि आप इसको साइन कर दीजिए एज अ विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस, कि आप यहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है। तो रिकवरी विटनेस और अटेस्टिंग विटनेस वो होते हैं, इनको भी कोर्ट में बुला के पूछा जा सकता है कि भाई तुम्हारे सामने हुई थी क्या ये वाली चीज, ओके। सातवां है पंच विटनेस। अब पंच विटनेस इज कि जब एक डेड बॉडी का पूरा पर्टिकुलर मेमो बनता है, ठीक है, उसको पंचनामा या पंचायतनामा कहते हैं डेड बॉडी के लिए। अब उसको बनाते वक्त जो इंसान प्रेजेंट है उसका साइन लिया जाता है, ही इज कॉल्ड एज पंच विटनेस। यूजुअली ये कोई पुलिस वाला ही होता है, पर कुछ केसेस में ये एक नॉर्मल सिविलियन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एट्थ है एक्सपर्ट विटनेस। एज आई टोल्ड यू, एक्सपर्ट विटनेस का जो ओपिनियन है उसको सिर्फ मेन एविडेंस को कॉरोबरेट करने के लिए यूज किया जाता है, वो सब्सटैंशियल नहीं है, उसके ऊपर आप केस बेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो एक्सपर्ट हो फिंगरप्रिंट्स में या राइटिंग में या फुटप्रिंट में या कुछ भी एक्स वाई जेड, उनकी टेस्टिमनी जो होती है वो एक्सपर्ट विटनेसेस के अंदर लाई करती है। अब नाइन्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है हॉस्टाइल विटनेस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एक रोग टाइप का विटनेस होता है। अब रोग क्यों? क्योंकि ये ऐसा विटनेस होता है जो जिस पार्टी ने बुलाया होता है ये उसके खिलाफ ही टेस्टिमनी दे देता है, या तो उसके खिलाफ देता है या कुछ ऐसा देता है जो उसकी बात को सपोर्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो अब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब एडमिसिबिलिटी में इसका सेक्शन आएगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये एक हॉस्टाइल विटनेस होता है जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में टेस्टिमनी देगा और
इन दीज केसेस इट इज अलाउड टू एग्जामिन योर क्रॉस एग्जामिन योर ओन विटनेस, वरना यूजुअली अलाउड नहीं होता है, एज यू विल सी आगे जाकर। तो ये 9 टाइप के विटनेसेस हैं जिसको आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा इजीली याद करने के लिए। ओके, तो ये था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग सेक्शन वाइज इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर करेंगे, और इसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, और तीसरा एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। अब इसके कैसे सेक्शन है, किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, वो आगे वाली वीडियोज में आपको पता चल जाएगा। ओके,